खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप सोच सकते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष ट्विटर पर इस्तीफा देगा? लेकिन राहुल गांधी ने यह किया आज। क्या आप सोच सकते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी का अध्यक्ष ट्विटर पर अपने नेताओं को कुर्सी का मोह त्यागने के लिए कहेगा? राहुल गांधी ने यह किया आज। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी रही, उस पार्टी के अध्यक्ष को उसके नेता सपोर्ट नहीं करेंगे? राहुल गांधी ने आज यही कहा। राहुल ने आज चार पन्नों की एक चिट्ठी ट्विटर पर पोस्ट कर दी, अपने इस्तीफे के ड्रामे को सार्वजनिक कर दिया। अब राहुल का इस्तीफा द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा बन गया है, जिसने कांग्रेस की ही पोल खोलकर रख दी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप देखें। उससे पहले ये पांच हेडलाइंस देख लीजिए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दिया। चार पन्नों के इस्तीफे में लोकसभा चुनाव में हार का दर्द भी बयां किया। राहुल गांधी ने इस्तीफे में लिखा, कई बार ऐसे मौके आए जब मैं अकेले खड़ा रहा। इस्तीफे में कांग्रेस नेताओं को नसीहत भी दी, लिखा, कुर्सी से चिपकने की आदत तो छोड़नी होगी। राहुल ने लिखा, चुनाव में हार के लिए कई कांग्रेसी जिम्मेदार है, लेकिन पहले मेरा इस्तीफा जरूरी है। राहुल के इस्तीफे पर स्मृति ईरानी बोली, जय श्री राम। फारूक अब्दुल्ला बोले, राहुल अपने फैसले पर अड़िग रहे। दोपहर 3:37 पर राहुल गांधी का एक ट्वीट आया। ट्वीट में चार पन्नों की चिट्ठी थी। राहुल ने अपनी चिट्ठी में आज कांग्रेस के नेताओं को यह संदेश दे दिया है कि ना का मतलब ना होता है, उन्हें मनाने की कोशिश बेकार है। सीट भी गई, लोकसभा सीट भी गई, अध्यक्षी भी गई, अब क्या क्या जाएगा? चलिए जी, जय श्री राम। राहुल ने आज सार्वजनिक इस्तीफा दे दिया। चार पन्नों की इस चिट्ठी को पढ़कर जो बात सामने आई, उसके मुताबिक राहुल कहना चाहते हैं कि कांग्रेस नेताओं की कुर्सी से चिपकने की आदत छोड़नी होगी। विरोधियों से लड़ना है तो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। 2019 की हार के लिए कांग्रेस में बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। इस्तीफा दे दिया, ट्विटर पे उन्होंने अपना परिचय भी बदल दिया, अब क्या होगा? अगली बैठक जो वर्किंग कमेटी की होगी, जब भी होगी, वर्किंग कमेटी में ही अगला निर्णय होगा और हम सब उस बात को फिर से कहेंगे कि माननीय राहुल गांधी जी, देश के समस्त कांग्रेस जनों का अनुरोध है कि वे अपने हमारी बात को माने, हमारी बात को सुने और माने। राहुल ने अपनी चिट्ठी में लिखा, पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे और कई लोगों को 2019 की हार के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा, लेकिन ये गलत होगा कि दूसरों को जिम्मेदार ठहरा कर मैं अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाऊं। राहुल ने अपने सार्वजनिक इस्तीफे में लिखा कि लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वो ही अगला अध्यक्ष चुन लें, लेकिन ये सही नहीं है। राहुल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर भी करारी चोट की। लिखा, भारत में यह आदत है कि ताकतवर लोग कुर्सी से चिपके रहते हैं, कोई कुर्सी का त्याग नहीं करता, लेकिन सत्ता से चिपके रहने की इच्छा के साथ हम अपने विरोधियों को हरा नहीं सकते। तो क्या ये निशाना अशोक गहलोत पर है? क्या ये निशाना कमलनाथ पर है? क्या ये निशाना पी चिदम्बरम पर है? लेकिन ये तो स्थिति है कि अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। तो अब ये दास्तां कहाँ शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई और उसमें क्या खोया और क्या पाया कांग्रेस पार्टी ने, ये कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम महान जो बुद्धिजीवी और विश्लेषक है तय करेंगे, ये उनका काम है। इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का ये जो ब्रांड न्यू पॉलिटिकल ड्रामा है, उस पॉलिटिकल ड्रामे से हमें कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि कई बार ऐसे मौके आए जब मैं पूरी तरह अकेले खड़ा रहा और मुझे उस पर गर्व है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी सदस्यों के जोश और समर्पण से बहुत कुछ सीखा है, जिन्होंने मुझे प्यार और आदर करना सिखाया है। चिट्ठी में लिखी इन लाइनों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों से नाराज हैं, क्योंकि वो लिखते हैं कि कई बार ऐसे मौके आए जब मैं पूरी तरह अकेले खड़ा रहा। इसने जो फैसला किया था उस पर अटल रहा, अच्छी बात है, जवान है, फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है आगे, और अच्छी बात है। इनने बहुत काम किया था, इसमें थोड़ा सा इससे बाहर निकल के देखेंगे। और तो क्या राहुल का इस्तीफा बीजेपी और प्रधानमंत्री को उन आरोपों का जवाब है जिनमें सवाल उठते थे कि आखिर गांधी परिवार से अलग कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनता क्यों नहीं है? चुनाव में भी ये मुद्दा छाया रहा। भाइयों बहनों,
आज चुनाव हमारे लिए विकासवाद का जंग है, उनके लिए वंशवाद का जंग है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विकासवाद जीतने वाला है, वंशवाद हारने वाला है। लेकिन राहुल के इस्तीफे और इस्तीफे पर अड़े रहने की जिद ने परिवारवाद वाले आरोपों का जवाब दे दिया है। राहुल ने अपनी चिट्ठी में पीएम मोदी पर भी हमला किया। राहुल ने लिखा कि मैं निजी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस और उनके कब्जे वाले संस्थानों से लड़ा। मैं लड़ा क्योंकि भारत से मुझे प्यार है। मैं लड़ा क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना था। एक राजनीतिक नाटक के रूप में था। राहुल गांधी पहले सीधे नियंत्रण करते थे, अब वे अप्रत्यक्ष रूप से यानी रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस को चलाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से वो लड़ते रहेंगे। देखिए, जिस दिन राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ लेंगे, उस दिन वे जमीनी नेता बन जाएंगे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यूरोप के चश्मे से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसीलिए वे जमीन से नहीं जुड़ पा रहे हैं। राहुल ने ट्विटर पर इस्तीफे के ऐलान के बाद अपना ट्विटर हैंडल भी बदल लिया। कांग्रेस प्रेसिडेंट की जगह वो मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गए। लेकिन ये तय है कि मोदी लहर ने कांग्रेस में हलचल मचा दी। राहुल गांधी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ चुके हैं और पार्टी उन्हें मना रही है। बंगाल में ममता बनर्जी सीपीएम और कांग्रेस से साथ आने की अपील कर रही है, तो यूपी में मोदी से लड़ने के लिए एक हुए मायावती और अखिलेश की जोड़ी अब टूट चुकी है। यानी बीजेपी की बम्पर जीत के साइड इफेक्ट भारतीय राजनीति में जारी है और अब देश की सबसे पुरानी पार्टी भी इसकी चपेट में आ गई है। देखिए, राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में कुछ और बातें लिखी हैं जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि राहुल ने लिखा है, देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा करने का आरएसएस का उद्देश्य अब पूरा हो गया। हमारा लोकतंत्र अब मौलिक तौर पर कमजोर कर दिया गया है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अब से चुनाव, जो कि भारत का भविष्य निर्धारित करते हैं, महज रस्म अदायगी भर रह जाएंगे। राहुल आगे लिखते हैं कि सत्ता पर काबिज होने के परिणाम स्वरूप भारत को अकल्पनीय हिंसा और पीड़ा सहनी होगी। किसानों, बेरोजगार और नौजवान महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा अब नुकसान सहना होगा। यानी राहुल गांधी डर भी फैला रहे हैं, हिंसा की आशंका भी जता रहे हैं, जनता को डरा भी रहे हैं अपने खत के माध्यम से। तो चुनाव के नतीजे आए 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। राहुल अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं और पार्टी राहुल के बगैर चलने के लिए तैयार नहीं। वैसे राहुल को ये याद रखना चाहिए कि अगर वो अध्यक्ष नहीं भी रहेंगे तब भी पूरी की पूरी कांग्रेस गांधी परिवार के पास ही फाइनल फैसले के लिए आएगी। मास्टर स्ट्रोक कांग्रेसियों के लिए है, यानी कांग्रेस के लिए है। वफादारी पार्टी से करो, परिवार से नहीं।